हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, जैसे कि आप बैक में देख रही हो। सब मम्मी के घर से मैं वापस आ गई हूँ और अब हम जा रहे हैं कहीं पे। तो वहाँ पर अभी का पेंडिंग गिफ्ट है जो कि उसके नानू नानी और मामा ने दिया है, मतलब उन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं और वो गिफ्ट मुझे उसको अभी को पसंद करके दिला के लाना है। तो बस अब वहीं पर जा रहे हैं और आप भी चलिए। अभी क्या लेने आए हो? साइकिल। कौन सी? वो ग्रीन वाली। हाय हाय, ये तो छोटे बच्चे वाली है। आपकी तो बहुत अच्छी, आपकी बहुत अच्छी वाली आई। वो देखो ले आए। आपको ऑरेंज कलर चाहिए था ना? ठीक है ये वाली। हाँ, बैठ के दिखा चल। इधर से थोड़ी बैठते हैं, उधर से बैठते हैं। वो तो नीचे सेटिंग करवा देंगे। अरे पहले आप ही पहले उस पे बैठ रहे हो, देखो ना। मिल गया गिफ्ट? हाँ। अच्छा लगा? थैंक यू बोल दे। थैंक यू। किसको बोल रहे हो? मामा। और लाइक ना मामा ना। थैंक यू। और किसको? नानी। नानी। और नानू। चले आओगे? चला के देखोगे घर पे? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे से मेरे घर में पेंटर लग गए हैं। तो इन भैया को मैंने 2 मंथ्स पहले बुक किया था, बट अब आए हैं ये काम करने के लिए। तो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हुई थी, इन सबको ये ख़राब कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बट ये पेंटिंग्स ने बहुत परेशान किया हमें, क्योंकि ये ना मतलब अंदर जहाँ पर सीमेंट होती है वहाँ तक इनका कलर पहुँच गया। और फिर इसको सही करने के लिए मैंने अच्छा पेंट मंगवाया ताकि वो कवर हो जाए, बट फिर भी इनको कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। कम से कम 5 कोट उन्होंने लगाई, लेकिन तब भी वो कलर उभर उभर के आ रहे थे। बट उन्होंने फिर बाद में क्या किया, उन्होंने उसको पूरा ही मतलब उससे हटा दिया, मतलब पेंटिंग को ही पूरा हटा दिया, उसके बाद वहाँ पर कलर किया है। और जो कलरफुल लाइंस थी ना, जो अभी ने की हुई थी वॉल्स पे, वो सब लाइंस भी बहुत मुश्किल से छुपी हैं। कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो भी पूरी तरीके से छुप नहीं पाई हैं, थोड़ा थोड़ा अभी भी नज़र आती हैं। और ये बना रहे हैं पेंट। सो इस बार ज़्यादा कुछ कलर वलर मैं नहीं करवा रही हूँ। देखो इस तरीके से उन्होंने ना पूरे कलर को निकाला था। ये वाली पेंटिंग वो फैमिली वाली पेंटिंग थी, आपने देखी होगी। तो इस तरीके से पूरा ये ऐसे निकाल रहे थे इसको, क्योंकि ये इतना सारे कोट करने के बाद भी नज़र आ रही थी। तो ये जो कलर थे ना, ये बिल्कुल अंदर सीमेंट तक पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने सीमेंट तक पूरा उसको अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से पेंट किया, तभी इसमें थोड़ी फिनिशिंग आई है। देखो क्या
तो अब आप देखना कि वो सब करने के बाद वो ये वाली वॉल कितनी क्लियर हो गई है। उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा POP किया है और उसके बाद उसके ऊपर पेंट किया है, तो आप देख सकते हो कि कितना क्लियर हो गया। क्यों कटता है बता, गुस्सा क्यों आता है पूरे टाइम बताओ। अभी अब बोलता नहीं है, जल्दी बता मुझे, बताओ अभिमन चरू क्या कर रहा है, चरू क्या कर रहा है, अभी बताओ क्यों गुस्सा आ रहा है, अभी जल्दी से क्यों गुस्सा आ रहा है, नहीं बताना ठीक है, फिर मैं भी बात नहीं करूंगी, मैं भी बस अन्नी को ही प्यार करूंगी। मैं इसको तो तोड़ देगा, क्यों तोड़ देगा, क्यों बताना मुझे, ठीक है मैं अब अन्नी को ही प्यार करूंगी, जल्दी बता मुझे क्या है, क्यों गुस्सा आ रहा है, मैंने झूठ बोला क्या, कि जब से चाहिए हैं तब से मैं मुझे प्यार कर दो, किसको आपको, कब से, जब से चेरी आई थी, नहीं आई थी ना, तब से आप पापा को प्यार कर लेते, मैं तो आपको भी प्यार करती थी, और चेरी तो अब आई है, चेरी से क्या मतलब, अब इसमें गुस्से वाली बात क्या है, बता ना मेरे को, चेरी को तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो अन्नी को बोल रही हूँ, क्या झूठ बोला था मैंने, मैं तो आपको अब भी करती हूँ, हमेशा करूंगी, फोटो देख के गुस्सा क्यों आया आपको, आपके ऊपर गुस्सा है, मेरे ऊपर गुस्सा आया क्यों, क्यों आया है, मैं इसको कान कर ले दो, ये बाबू कान खाते जा रही है ए, गिर जाएगी, हाँ बता क्यों आया गुस्सा मेरे ऊपर, नहीं आ रहा अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए, क्योंकि सारा घर बहुत फैला हुआ है, तो कहीं पर तो बैठने की जगह चाहिए हमें, तो ये सोफे वाला जो कमरा है ना, इसमें दो तीन वॉल्स पर हो गया था पेंट, और सामने जो वो ब्राउन वाली वॉल्स है, वॉल है ना, उसको भी हमने बाद में चेंज कराया था, तो वो ये प्लान मेरा बाद में हुआ था, तो बस अब यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, और ये मेरी मदर इन लॉ हैं जो मेरी हेल्प कर रही हैं, सो हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं यहाँ पर, बस हम थोड़ा ही कर पाए हैं यहाँ पे काम, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था, सो मैं ज़्यादा काम कर ही नहीं पा रही थी, जितना मुझसे हुआ मैंने उतना ही किया है, और उसके बाद हमने छोड़ ही दिया था काम करना, बस ये थोड़ा सोफ़ा वोफ़ा हमने सेट कर लिया था ताकि ये गंदा ना हो जाए, और उसके बाद अभी 3-4 दिन तक हमारा पेंट चलता रहा है, सो ये क्लिप थोड़ा सा दिन पहले की है, तो अब तो पेंट ओवर हो गया है, बट नेक्स्ट वीडियो में भी आपको नज़र आएगा कि क्या क्या घर में कराया है मैंने, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, एंड मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या चाहिए, गुस्सा करा था मैंने।